काटना भी डॉक्टर साहब तकलीफ देता है, होता है। तो मैं एक दो महीने थोड़ा आराम भी कर रहा हूँ, प्लस मैं एक बड़े मेजर प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ कि जहाँ मेरी आवाज मेरी बातें किसी भी घर में पहुंच सके, बस एक तरीका कर रहा हूँ उस पर काम कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब बिल्कुल करें, यू आई मीन मोर देन वेलकम टू इंट्रोड्यूस ऑन दिस शो। जाहिर है मतलब साहबजादी जो है वो तो माशाल्लाह आपके शो में मैं इसीलिए आज आया भी, मुझे खुशी हुई जब आपने इनवाइट किया। मैंने कहा एक तो उरूद को थोड़ा सा शाबाशी, आपको डेफिनेटली थैंक्स, क्योंकि ये काम वो है कि आपने इस प्रोग्राम के जरिए यू स्टार्टेड अ न्यू थिंग, एक नया फेस लेके आए, एक ऐसी चीज लेके आए कि जो आगे आने वाले लोगों को कोई सहारा मिले ना। उरूद मेरी एक पॉसिबिलिटी है। हम एक कॉन्सेप्ट, कई साल पहले मैंने एक फिल्म देखी थी, उसका नाम था पे इट फॉरवर्ड। अच्छा, हमारे वर्कशॉप में फोर डायमेंशन आपने भी किया, बहुत सालों से हम कर रहे हैं। उस कॉन्सेप्ट को मैंने उरूद से डिस्कस करके उस कॉन्सेप्ट को हमने अपने वर्कशॉप में डाला। अच्छा, और वर्कशॉप में डालने के बाद अब जो लोग वो वर्कशॉप करते हैं उन पर लाजिम करते हैं कि तुम किसी के साथ नेकिया करो और जिससे नेकी करो उससे सलामत मांगो, उससे कहो कि इसका सिला वो ये दे के आगे किसी और के साथ नेकी करे। अच्छा, उसको चेन बनाओ, उसको चेन बनाओ, ठीक है। हम ये चेन बनाते हैं। तो अब जिसे जाहिर मैंने जिंदगी गुजारी, मैंने फकीरों के साथ रहा हूं, वलियों के साथ रहा हूं, योगियों के साथ रहा हूं, बड़ी जगहों से मैंने इल्म हासिल किया। और ये इल्म किताब का इल्म नहीं है, ये वो इल्म है जो किताब में नहीं मिलेगा आपको, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा। अब वो इल्म जो मेरे पास था वो जाहिर कहीं ना कहीं मुंतकिल होना था। तो जितने लोगों को अब तक सिखाया उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैंने अपनी पॉसिबिलिटी बनाई। पॉसिबिलिटी का मतलब है मेरा एक्सटेंशन, उरूज मेरी एक पॉसिबिलिटी। बाज दफा बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि औलाद पॉसिबिलिटी नहीं होती, दूसरे शागिर्द होते हैं, बाज में औलाद भी होती है। तो अब मेरे दो बेटे दोनों अमेरिका में, अब वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत कामयाब है, मगर वो इस हवाले से मेरी पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, ये आपकी फ्रेंचाइज है माशाल्लाह। तो एक वो एक किस्सा मुझे याद है, बड़ा इंटरेस्टिंग था कि बूढ़ा आदमी जो है वो एक जगह जो है वो जमीन खोद के बीज डाल रहा था। तो एक नौजवान वहां से गुजरा, उसने कहा बड़े भैया क्या कर रहे हो? उसने कहा बेटा मैं आम का बीज लगा रहा हूँ। अच्छा, तो वो नौजवान ने हंस के कहा कि बड़े भैया सत्या गए, तुम्हारी अकल ठिकाने हो गई है, ये 3 साल बाद फल देगा, तुम्हारे पैर तो कवर में, तुम तो मर जाओगे, तो तुम तो खा नहीं सकते ये आम। उसने कहा बेटा मैं जानता हूँ, मगर मैंने सारी जिंदगी जो आम खाया तो उसका बीज किसी और ने लगाया था। तो पॉसिबिलिटी ये होती है कि आगे आप फॉरवर्ड करते जाएं ताकि वो इल्म चलता रहे। वरना हमारे ऐसे लोग थे जिनके सीनों में इल्म था, उन्होंने कभी किसी को नहीं दिया, उनकी मौत के बाद वो चला गया और ये सोच चला गया, उन्होंने इसलिए किसी को दिया कि हर मैं इनसिक्योर हूँ, मेरा इल्म कहीं आगे बस रह जाएगा। हालांकि बांटने से बढ़ता है, बांटने से बढ़ता है, बांटने से बढ़ता है। कैसे अब्बा है? अब्बा से अच्छे टीचर है, अब्बा से अच्छे टीचर है, इज द बेस्ट फादर। क्या बुलाती है, किस नाम से? बाबा। बाबा कहती हो? लेकिन काम की वजह से नेचुरली हम साथ ही काम करते हैं, तो मेरा जरा सर निकलता है उनके। तो अक्सर जो लोग कहते हैं तुम सर क्यों कहती हो, मैं कहा थोड़ा प्रोफेशनल भी लगता है सर। अब मैं बार बार वर्कशॉप के अंदर बाबा बाबा करना, तो एक नहीं बच्ची आ गई घर से बाबा बाबा की आवाज आ रही है, मेरे आगे चीज होगी कोई छोटी सी, आगे से इतनी बड़ी निकल आई बाबा कहते हैं माशाल्लाह बड़ी होगी। और दूसरा ये की मेरी आदत है कि मैं आई लव फूड, मैं खाना बहुत खाती हूँ हर जगह। अब मैं बाबा, बाबा मुझे चावल खाना है, बाबा मुझे सेवर खाना है, सांप बाजार मुझे सेवर खाना है, मुझे ये खाना है। तो मैं कहती सर मुझे ये खाना है, सर मुझे वो खाना है, लुक से कि चले हम जब, बिकॉज आई वॉन्ट फूड एवरीवेयर। सब चल रही होगी, मैं ऊपर लेक्चर दे रही हूँ, साथ में हाथ में पूछे कि चले खाते हैं। आई वॉन्ट फूड एवरीवेयर, ही इज द बेस्ट फादर। तो किसी चीज का मना नहीं करते कभी मुझे, कभी भी किसी चीज का मना नहीं। जब तो मैं कब तुम्हें एहसास हो रूज के डॉक्टर साहब की तुम फ्रेंचाइज बन सकती हो, मतलब कैसे? ये जो 3 साल पहले, तीन साल पहले एक्सप्लोर किया था कि डॉक्टर साहब ने कहा, इन्होंने किया था, इन्होंने ज्वाइंड इन कई साल से। मेरे साथ ऐसे लोग भी जो 25-25 साल से मेरे साथ, यानी वो बच्चियां जो 9th-10th क्लास में थी, आज मुझे मिलती है ना, तो उनकी अपनी औलाद है। मुझे कहती है आप तो जैसे कि वैसे यंग है, ये राज क्या है? मैंने कहा जी यंग रहने का राज ये है कि आप किसी का दिल ना दुखाओ, ठीक है, आप यंग रहोगे। अच्छा, तो बहुत सारे लोग आए मेरे पास, बड़ी उम्मीदें थी, मैंने लोगों को बहुत ऊंचे मकाम दिए, मुख्तलिफ फ्रेंचाइजी दी, मुख्तलिफ शहरों में दिया। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ चीजें ऐसी हैं इनमें से है कि लालच, ठीक है, लालच इंसान को रास्ते से हटा देती है और फिर इंसान किस्मत का गिला करता है। वो लालच
हसद आ गया, कुछ आ गया, इनसिक्योरिटी आ गई, जल्दबाजी आ गई, और सबसे बड़ी चीज जो इंसान में आ रही वो तकबुर आ गया। तकबुर आ गया, जरा चार लोगों ने फॉलो करना शुरू किया, तकबुर आ गया, उस तकबुर की वजह से वो फेल हो गए। उरूज जब शुरू किया, उरूज ने करियर अपना, तो जब स्टेज पे आई तो मुझे याद है जब पहली दफा स्टेज, पहले तो एक दिन शाम को बहुत बड़ा लेक्चर था, हर जुमेरात को हमारा लेक्चर होता है, ओपन लेक्चर होता है। उरूज को मैंने कहा, उरूज आज एक काम करो कि आज इस लेक्चर में आधे घंटे का तुम कर लो, ठीक है। ये बड़ी मुश्किल से मैंने उसको पुश किया, मैं रिसेप्शन में बैठा हूँ, मैं रिसेप्शन में बैठा हूँ और वो लेक्चर देने गई। अच्छा 250-300 आदमी बैठे और उस प्रोफेसर मोइस का लेक्चर सुनने आए, तो उनका उनका एक्सपेक्टेशन लेवल सब, एक बच्ची आएगी सामने। अच्छा अब एक तो लोग बड़ा जेलस भी इससे होते हैं, क्यों नहीं होते हैं? होते हैं जेलस, क्योंकि इतनी इतनी छोटी एज में शी इज रियली अचीव्ड अ लॉट। यस माशाल्लाह। तो वो वहां पे बैठी हुई थी, तो एक बंदा बैठा हुआ था लाहौर का, लाहौरी था। उरूज ने जरा से लेक्चर शुरू किया, उसने उरूज को अननेसेसरली अनड्यूली क्रिटिसाइज करना शुरू किया, वहीं बैठे बैठे और रूड भी था और इंसल्टिंग टोन थी। अच्छा थोड़ी देर तो मैंने बर्दाश्त किया और उसके बाद मैं बाहर आया, और बाहर आके मैंने कहा कि ये सवाल तुम्हें मुझसे पूछने चाहिए, उरूज से नहीं। ओ, वो उरूज को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा था, उसके बदतमीजी पे आ गई, बजाय इसके कि उसको अप्रिशिएट करते। पहली दफा इस फोरम पे आई है और हमें सपोर्ट करना चाहिए। उसके बाद खैर मैंने तो उसके सवाल के जवाब दे के उसको ऐसा चुप कराया, हाँ। तो उसके बाद से वो कभी नजर नहीं आया। मगर उरूज के साथ ये हुआ कि उरूज आई रिसेप्शन में, हाँ। और उरूज की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं फौरन आया, उसको हक किया, मैंने कहा अब इसमें देखे एक ऐसी सिचुएशन थी जिसको आप दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते थे। नंबर वन, आप ये कहते कि मैं तो कामयाब नहीं हो सकती, मुझे तो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए मैं ये प्रोफेशन छोड़ दूं। दूसरा, इसको अपॉर्चुनिटी बना। मैंने उरूज से कहा, मैंने कहा उरूज आज एक चीज का तहिया कर लो कि जिस शख्स ने तुम्हारी इंसल्ट की है, कल तुम स्टेज पे आके उन लोगों को सिखाओगी और वो तुम्हारी इज्जत करेंगे। दिस इज व्हाट आई टोल्ड जब मैं उसको हक कर रहा था। उसके बाद मैंने इसकी ट्रेनिंग शुरू की, उसको मुख्तलिफ सिचुएशन में डाला, थोड़ी थोड़ी देर तक किया। आज माशाल्लाह लोगों का ये कहना है, मैं नहीं कह रहा, कि जब वो बोलती है तो फर्क सिर्फ आवाज का होता है। हाँ। ये जनाना आवाज है, ये मर्दाना आवाज है, ये नहीं है जो प्रोफेसर मोइस बोलते हैं। नहीं जैसे आते हैं वो अक्सर हम लोग कोई आप जो बच्ची बैठी है ना, मैंने कहा आपको लग नहीं रहा, ड्रेसिंग का फर्क है, बाकी पूरी की पूरी डॉक्टर साहब है। और माशाल्लाह वो डॉक्टर साहब पहली बार सोच रहे थे सिर्फ लगता है जिससे उन्होंने ट्रांसफर किया, और जब कोई नया आ रहा हो ना तो आपको बजाय इसकी कि आप कोई करें, अनलेस वो नेगेटिविटी बांट रहा हो, अनलेस वो बुरी बात गलत बात कर रहा हो, अगर कोई अच्छी बात कर रहा है तो कहते हैं हाँ बेटा चलो ग्रेट डू इट। मतलब उरूज का है, उरूज नोज इंग्लिश वेरी वेल, बट कहीं ना कहीं उर्दू में कहीं ना कहीं उरूज का होता है कि वो हो जाती है कि मुझे फास्ट फॉर्मर है, बट शी इज विलिंग टू लर्न। एंड आई थिंक हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए ये बात, जब हम कुछ सीखते होते हैं। मैं सीख रही हूँ, मैं एंकरिंग सीख रही हूँ, रोजाना कोई ना कोई चीज डॉक्टर साहब आपको बताऊँ, आज से चंद साल पहले मेरे स्टूडेंट्स गवाए, मैं उर्दू में तकरीर नहीं कर सकता, बताया मेरी सारी एजुकेशन इंग्लिश में हुई है, मेरे सारे टीचर्स इवन इंडिया के अंदर जो योगीज थे वो मेरे सारे टीचर्स इंग्लिश में थे, या तो संस्कृत हिंदी में बात की या उन्होंने इंग्लिश में बात की, बाकी मेरे सारे टीचर यूएसए और यूके के थे, सारे अंग्रेज थे, डॉक्टर्स थे। अब मैंने जब वर्कशॉप शुरू किया था, यूज टू ओनली स्पीक इन इंग्लिश, फिर मुझे अंदाजा हुआ कि जो मासेज है हमारी मिडिल क्लास, ये घर में इंग्लिश नहीं बोलते, इन्होंने इंग्लिश पढ़ी है बट इंग्लिश में सोच नहीं सकते। इसी इज वेरी डिफरेंट, एक होता है बोलना, एक होता है सोचना। आप बोल लेते हैं, सोचते नहीं है तो आपकी फ्लुएंसी नहीं आती। तो देन वन डे आई डिसाइडेड, मुझे याद है बिगिनी अंसारी की वाइफ है मिसेज अंसारी, इस्लामाबाद के हमारे इंचार्ज है वहां के, उन्होंने मुझे नोटिस किया कि मैंने एकदम से उर्दू बोलना शुरू कर दिया वर्कशॉप। उन्होंने मुझसे पूछा, कई दफा मैं इतने शकील और मुश्किल अल्फाज बोलता हूँ कि फोन आएगा भी थोड़ी देर बाद उनका इस्लामाबाद कि ये अल्फाज आपने बोले थे। हुआ ये कि आई स्टार्टेड थिंकिंग इन उर्दू, मैंने उर्दू में सोचना शुरू कर दिया। उरूज के साथ ही लिमिटेशन है, और बताया है उर्दू में नो टाइम बिकॉज लर्निंग कैपेसिटी अगर आपका जहन खुला है, हम जो आज डिस्कस भी कर रहे हैं किस्मत और तकदीर की बात, इसमें प्रॉब्लम यह है कि इस कॉन्सेप्ट में मैं बरसों से बात कर रहा हूँ, मेरे कई घंटों के लेक्चर यूट्यूब पे मौजूद हैं। अगर आप
अपने जहन को खोल कर मेरी बात समझ लें तो आप जिंदगी भर कभी किस्मत या तकदीर को रोना नहीं रोएंगे। सही सही, जहन नहीं खुलते इसीलिए लर्निंग नहीं होती। ठीक है, खुदा का शुक्र है कि डॉक्टर नहीं है गुरुज, क्योंकि अगर ये डॉक्टर बन जाती लिमिटेड हो जाती ना, लिमिटेड हो जाती फिर वो डॉक्टर के जहन से सोचती। ठीक है ना, अब मैंने डाइवर्स उलूम सीखे, पैरासाइकोलॉजी, मेटाफिजिक्स, कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, योगा, कितनी चीजें, फिलोसफी, इस डाइवर्स फील्ड की वजह से मैं किसी एक चीज की में फिक्सेशन नहीं है मुझे। सही। तो उरुज सोच भी रही थी कि आगे जाके वो डॉक्टरेट करे, मैंने कहा भी नहीं, दो तीन साल के बाद एनएलपी और हिप्नोसिस में जाके फिर पीएचडी करना, मास्टर्स करना, फिर पीएचडी करना, बट फिक्स मत हो जाना। तो अब ये इतनी बड़ी फील्ड है, अगर जहन खुला नहीं होगा तो आप जिंदगी में कभी भी चेंज नहीं ला सकते। डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर जहन खुला नहीं होगा तो आप कभी जिंदगी में चेंज नहीं ला सकते, अपने लिए बेहतरी पैदा नहीं कर सकते। इसी तो हमारे साथ एक कॉलर है मुल्तान से, जनाब क्या नाम है आपका? जुबैर साहब, अस्सलाम वालेकुम जुबैर साहब। अस्सलाम, क्या हाल है? करम अल्लाह का, फरमाइए। मुझे आज 4 महीने हो गए आपका टेलीफोन सुनते हुए, प्रोग्राम देखते हुए। अच्छा, 4 महीने हो गए मेरी बच्ची, अल्लाह ताला आपको फनी मूड में बैठी है, मैं आपका चेहरा डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। गुजारिश किया है कि मुझे 4 महीने मैंने रमजान शरीफ देखा, ईद देखी। अब थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा भाई, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मैंने, हेलो जी जी बोलिए, आवाज आ रही है? जी अब आ रही है, बोलिए। मैंने 4 महीने आपको देखा प्रोग्राम, और 4 महीने से मैं टीवी पे बैठा हूँ रेगुलर, कि आपसे मेरी बेटी से अल्लाह पाक ने आपको इतना टैलेंट दिया हुआ है परवरदिगार ने, और अल्लाह ताला आपको इससे, आप अपने माँ बाप की बेटी नहीं है, बेटा है, समझे ना। मैं आपसे इतना खुश हूँ, शुक्रिया खुश हूँ कि, और मेरी दिली दुआएं हैं, और मेरे इसी मसले से को थोड़ा सा, मेरे 3 बच्चे हैं बेटी जी, 3 बच्चे, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है, और तीनों मेंटल हैं, तीनों ही जवान हैं, समझे ना। बस मैं कभी आपके प्रोग्राम ईदी वाले आ जाते थे, कभी दूसरे प्रोग्राम आ जाते थे, क्योंकि टॉपिक तो आपका कुछ और है, मैं बात कुछ और कर रहा हूँ, सिर्फ आपसे ख्वाहिश थी बात करने की मेरी। बहुत शुक्रिया भाई, मैं आपके लिए सिर्फ ये दुआ कर सकती हूँ कि अल्लाह ताला आपकी जिंदगी तकलीफ जो है दूर करे। हाँ जी, और आपको अल्लाह ताला सब्र दे, और आपके जिंदगी में जो भी दुख है वो दूर हो जाए। आमीन। बस इसलिए मैंने बेटे बात यह है कि किस्मत तो एक अलग चीज है, किस्मत तो अल्लाह पाक बनाते ही बनाता है, बिल्कुल, लेकिन मैं ख्वाहिशमंद था कि आपसे मेरी बात हो, कभी अगर मौका मिले कोई मेरी, आप मतलब कि मुझे कोई फाइनेंशियली सपोर्ट की जरूरत नहीं है, मैंने इस मकसद के लिए फोन नहीं किया आपको, मैंने सिर्फ इसलिए फोन किया कि आप मेरे बच्चों के लिए कोई ऐसा कोई इदारा, मुझे अगर आप मेरी कोई हेल्प कर सकती हैं, मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं, मैंने काफी मतलब के वो कोशिश की है कि कोई मुझे ऐसा इदारा मिल जाए जहां मैं अपने बच्चों को अकोमोडेट कर सकता हूँ। ठीक है जुबैर साहब, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, मैं भी बिल्कुल, जुबैर साहब आपका नंबर भी ले लिया है हम लोगों ने, और डॉक्टर साहब की टीम और हमारी न्यूज की टीम बिल्कुल आपसे जो है बहुत जल्द आते हुए करेगी। यहाँ पे वक्फा बहुत जरूरी है, वापस आते हैं वक्फे के साथ। और क्या मेरी किस्मत खराब है ये कहना सही है, क्या ये बात सही है या गलत है, इस पर और डिस्कशन होगी डॉक्टर साहब के हवाले से भी। डॉक्टर साहब भी हैं, रूज भी यहाँ पर, सबसे बात करिएगा हमारे साथ। सवेरे माया के साथ जी देगा मजा तो सुबह में है, जीने का मजा सुबह में है, जीने का मजा खुश रहने में है, जीने का मजा पॉजिटिविटी में है, जीने का मजा किस्मत को कसूरवार ना ठहराने में है। डॉक्टर साहब से भी बातें चल रही हैं, और हमारी तो जो मेहमान, दूसरी मेहमान है ना हमारी आज रूज, वो भी हमारे साथ बैठी है, ही इज पार्ट ऑफ द फैमिली, बट राइट नाउ शी इज डॉक्टर साहब्स डॉटर। हम बातें भी कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस साथ वो शेयर करेंगी। आज का स्टेटमेंट, मेरी तो किस्मत ही खराब है, क्या ये कहना सही है, क्या ये कहना गलत है? डॉक्टर साहब की लॉजिक है, वी विल लिसन टू इट, वी विल हैव अ सेशन। मेरी तो किस्मत ही खराब है, क्या ये कहना सही है या गलत, अपनी राय का कीजिए इजहार, लिखिए, स्पेस दीजिए, भेज दीजिए 72622 पे। डॉक्टर साहब अगर आपकी इजाजत हो तो एक रिकॉर्डेड कॉलर है, बिल्कुल ले लीजिए, इजाजत है, बिल्कुल ले लीजिए, एक रिकॉर्डेड कॉलर सुनिए उनकी बात। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समीना नाज है और मैं 32 साल की हूँ, रिसेंट मैंने MBA किया है, और देखने में भी एवरेज हूँ, बल्कि एवरेज से अबव हूँ, लोग यही कहते हैं, बहुत बेहतर हूँ मैं। मेरी शादी नहीं होती, बहुत रिश्ते आ गए और आते हैं
पक्के हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, तारीखें तक रखी जाती हैं, एंड टाइम पे सब कैंसिल हो जाता है। रिसेंट में 2 साल पहले मंगनी हुई एक जगह,